अपन को ना डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स ऐसे भी गिवन होता जो एंटी वाले बच्चे हैं वो 9:30 बजे मुझसे पूछेंगे कुछ हैं फोन करके, ठीक है? ठीक है। है। ओके सर। अब ना अपन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम भी वेट इन ग्राम, कभी कभी अपन को डेंसिटी गिवन होता है, वॉल्यूम गिवन होता है, तो अपन उससे वेट इन ग्राम भी कैलकुलेट कर लेते और फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब अपन को अगर डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन है किसी का, तब भी अपन उससे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ध्यान रखना। तो कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में अपन को ऐसे गिवन होता है। अब जो मोल कॉन्सेप्ट, ये जो मोल कॉन्सेप्ट था ना, छोटा छोटा पार्ट, एटम्स का मास, उनके मोल्स, मॉलिक्यूल गिवन है तो मोल्स, वो सब अपन को आता है। अब जो अपन को मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, इन दैट मोल कॉन्सेप्ट वी हैव टू डील विद द केमिकल रिएक्शंस। सो अब जो मोल कॉन्सेप्ट है उसको अपन स्टोइकोमेट्री बोलते हैं। अब जो मोल कॉन्सेप्ट होगा उसको अपन स्टोइकोमेट्री बोलते हैं। स्टोइकोमेट्री मतलब कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। राइट ना, स्टोइकोमेट्री जो होता है दैट इज कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। जो अपन को केमिकल रिएक्शंस होंगे ना उन पे बेस्ड जो केमिकल मतलब अपन को कैलकुलेशंस करने हैं उनको अपन बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। अब केमिकल इक्वेशन में अपन 3 टाइप से कैलकुलेशंस चेक कर सकते हैं। एक तो मास मास रिलेशन से, मास रिलेशन, एक अपन मास वॉल्यूम रिलेशन बता सकते हैं और एक अपन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन बता सकते हैं। एक अपन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन बता देंगे, ये 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस अपन बता सकते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा जैसे मोल कॉन्सेप्ट में अपन केमिकल रिएक्शन में जाने के पहले, मैं पहले तो आपको केमिकल रिएक्शन भी बताऊंगा ताकि आप मुझे फिर बाद में कुछ और प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि भाई सर हमको केमिकल रिएक्शन नहीं पता कैसे करना है, ठीक है? मच्छर परेशान कर रहा था मुझे, ठीक है? चलो देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब जैसे कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा ना अपन को, अच्छा सर देखो मेरे पास ना हीमोग्लोबिन गिवन, तो अपन कहेंगे अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो अपन से कहा इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो अपन कहे इतने बड़े मॉलिक्यूल का मैं कैसे बताऊं, अब बॉडी से निकाल के देख लो हीमोग्लोबिन कितना है, मास कैलकुलेट करते रहना। अपन कहेंगे नहीं नहीं अपन को गिवन था हीमोग्लोबिन में ना, एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है ना, तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 आयरन एटम्स होते हैं। 1 हीमोग्लोबिन कंटेन 4 आयरन एटम्स, आयरन एटम्स। ये एक्चुअल में होता है, मैं ये एक्चुअल में अपन को तो कंसेप्ट बनाना है कि भाई, और स्टोइकोमेट्री का मतलब होता है कि आप सिर्फ हमें कंसेप्ट बताओ कि इसकी कोई थ्योरी नहीं होती, आप जैसे बताओगे हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज स्टोइकोमेट्री। सो 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन 4 आयरन एटम्स, मुझसे कहा गया। अब मेरे पास क्वेश्चन था कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन। इफ वन मॉलिक्यूल, वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन
4% आयरन आता। और मुझे पता था वन मॉलिक्यूल हैज फोर आयरन। ये अपन को अब जिसको नहीं पता होगा तो क्वेश्चन में देना चाहिए फिर उनको कि देख भाई मॉलिक्यूल में फोर, अब दोनों ही फोर है तो अपन इसको हटा देते, इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं, 10% कर दिया मैंने, उसको 10% कर लेना, कुछ भी लिख सकते हैं आप क्वेश्चन बना रहे हो। ये तो स्टैंडर्ड था जो मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में चार आयरन एटम होते हैं। अब क्वेश्चन में आपकी मर्जी, आप जो दोगे हम वो ले लेंगे। आप कहोगे एक हीमोग्लोबिन में एक ही आयरन होता है, हम उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। आपने बताया चार होते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा देखो सर अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो कैसे, आपने मुझे ये बताया कि ये मॉलिक्यूल पूरा एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है जिसको मुझे 100% अज्यूम करना है, लेकिन इसमें 10% आयरन होता है। अब परसेंटेज तो रेशियो होता है, मतलब 1:9 का रेशियो होगी, 1/10 हो गया ना अपने पास रेशियो, टोटल हो जाएगा तो 1:9 का रेशियो हो गया। 1 आयरन है तो 9 पार्ट कुछ और है, मतलब ठीक है मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, आप कहोगे भाई देखो 10 ग्राम ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं ना किसी को अगर आपने परसेंटेज दे रखा है, बिल्कुल नहीं भाई। परसेंटेज मतलब 100 से डील करना, मतलब आपने कहा 10% होता है हीमोग्लोबिन में, हाँ तो ठीक 10% मतलब 100 ग्राम का अगर सैंपल है तो 10 ग्राम आयरन। और फिर आपने मुझे दे रखा है कि देखो भाई एक मॉलिक्यूल एक मोल में चार आयरन एटम होते हैं, एक मोल में चार आयरन एटम होते हैं, मतलब ठीक है ना 10 ग्राम होता है 100 में तो चार आयरन एटम का मतलब है एक आयरन एटम होता है 56 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं तो चार एटम होते हैं ना, तो बताओ चार एटम कितने में होंगे। वो हो गया महसूस भाई, आपने कहा रुक जा मैं बताऊंगा बिल्कुल, मतलब सारी चीजें हैं बिल्कुल, तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे मतलब सारी चीजें पहले मुझे मैंने समझा दिया। अब अपन देख लेते हैं कि क्या करना है अपन को। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास हीमोग्लोबिन है उसमें 10% आयरन होता है। अब 10% आयरन का मतलब वो 10% आयरन चार आयरन एटम होते हैं 10%। अच्छा तो एक आयरन एटम का मास मुझे पता है 56 ग्राम होता है, तो चार आयरन एटम का मतलब है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता होगा ना हीमोग्लोबिन का उसमें चार एटम का, चार आयरन एटम का मतलब है कि मुझे पता है कितना लेने वाले आप 224, मतलब एक मोल हीमोग्लोबिन में 224 ग्राम आयरन होते हैं। हाँ तो फिर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, 10 ग्राम आयरन होगा 100 ग्राम में तो 224 कितने ग्राम में होगा, वो हीमोग्लोबिन का टोटल मास होगा, राइट ना। तो जब अपन से पूछा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन 10% आयरन, और मुझे फिर क्वेश्चन डाटा गिवन है कि एक मोल में चार आयरन एटम होते हैं, ठीक है कैलकुलेट कर दूंगा फिर तुम्हें। मैं कहूंगा 10 ग्राम होता है 100 ग्राम में सैंपल में, तो बताओ चार आयरन एटम कितने ग्राम में होंगे, वो एक मोल का मास होगा, क्योंकि चार आयरन एटम का मतलब हो गया 100 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10% निकालेंगे ना तो वो कितना आएगा 224 ग्राम। हाँ तो वो टोटल मॉलिक्यूलर मास आ गया ना अपने पास यूनिटरी मेथड, भाई 10 ग्राम था 100 ग्राम सैंपल में तो चार आयरन एटम का मतलब हो गया 56 × 4 तो कितने ग्राम में होगा, तो वो सैंपल हो गया, वो मास हो गया उसका मॉलिक्यूलर मास। जैसे मान लो अपन दूसरा ऐसे करता है, मैंने तुमसे कहा भाई वाटर मॉलिक्यूल है मेरे पास, देखो इसमें ना 11.11% ऑफ हाइड्रोजन होता है, बताओ उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, तुम यही तो करोगे 11.11% मतलब ग्राम is present in 100 ग्राम, तो 2 ग्राम कितने ग्राम हो तुमके बना होगा, तो तुमने कहा 18 ग्राम, मतलब आंसर लिख दिया मैंने, वो गलत है, ऐसे कर लेते हैं, लो भाई 18 ग्राम आ गया ना मॉलिक्यूलर मास, आ गया ना
ने क्या किया, आपने बताया था मुझे कि इसके टोटल सैंपल में 11.11% होता हाइड्रोजन, तो अपन ने कहा अच्छा परसेंटेज, चलो इसको हटाते हैं तो 100 से डील करना होगा, तो इतना ग्राम प्रेजेंट होता है 100 ग्राम में, तो 2 ग्राम होता है, वाटर मॉलिक्यूल में तो 2 ही ग्राम होता है H2। तो अपन ने कहा बताओ कितने ग्राम है, 18 ग्राम है, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यूनिटरी मेथड समझ में आया, अब कोई डाउट है तो बोलो। सब चुप, जान तो रही होगी। अच्छा, अगर समझ में आया ना तो क्वेश्चन करके दिखाओ। कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल विच कंटेन 4% बाय मास ऑफ सल्फर, 4% बाय मास ऑफ सल्फर। अब इसमें मैं सल्फर भी नहीं बताऊंगा, कितना सल्फर एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब मिनिमम लिखा होता है तो मिनिमम एक एटम तो प्रेजेंट होगा ही, ये तो बताना ही होता है। मिनिमम का मतलब हो गया कि एक एटम तो आपको अज्यूम करना ही पड़ेगा पूरा सल्फर। सल्फर का मास अपन सबको पता है कितना होता है, बोलो कितना होता है, 32 ग्राम। वेरी गुड, चलो कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले क्वेश्चन लिखो और फिर आंसर लिखो और बताओ मुझे कितना आया। लो भाई आंसर भी बताना शुरू कर दिया, ठीक है। सर मिनिमम बोला है मतलब एक सल्फर तो प्रेजेंट ही होगा ना मॉलिक्यूल। हाँ, एक सल्फर तो अपन को अज्यूम करना ही पड़ेगा सर, फिर तो ये 800 ग्राम होगा। हाँ सर 800 ग्राम। तो आंसर था अपने पास कि 4 ग्राम। अब अपन से ऐसे पूछा गया ना कि भाई एक मॉलिक्यूल है जिसमें सल्फर है, लेकिन सल्फर जो प्रेजेंट है वो सिर्फ 4% होता है, बाकी 96% वो मॉलिक्यूल होता है, अदर एटम्स होते हैं। तो 4 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम, 4 ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। तो बताओ भाई मतलब 32 ग्राम कितने ग्राम ऑफ सल्फर में प्रेजेंट होगा। सो 100 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 32 दैट इज इक्वल टू आ रहा है अपने पास 800 ग्राम। लो भाई इतना मॉलिक्यूल पास, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया क्या करना है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से अपन से परसेंटेज से डील करने वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं, किसी को डाउट है तो बोलो। सर ये सोइकोमेट्री में बस क्वेश्चंस लिखते हैं न्यूमेरिकल्स? हाँ, इसमें न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, थ्योरी तो होती है, बस कंसेप्ट होंगे जो मैं बताऊंगा कैसे अपन को सॉल्व करना है, इसलिए तो मतलब तो थोड़ा सा ऐसे अपन ने अगर परसेंटेज से डील करना है तो भी नो डाउट राइट पर, राइट ना, समझ में आया? यस सर। ठीक है सर, बोलो सर। अगर वो मैक्सिमम हमें निकालना होता तो
तो फिर आपको नंबर बताने पड़ते हैं, है ना। अगर अपन से वन मॉलिक्यूल का मास पूछते, वन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो फिर अपन उसको 800 यूनिट बता देते या एएमयू बोल देते। आपने वन मोल का मास पूछा था ना, मॉलिक्यूलर मास पूछा था, मॉलिक्यूलर मास का मतलब ही वन मोल का मास है ना, इसलिए बनने। तो कुछ कुछ बच्चों ने 800 यूनिट बताया, 800 यूनिट विल बी द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। इसलिए आपने देखा होगा जब मैं मॉलिक्यूल लिख रहा था तो मोल, अगर मोल है तो मुझे मोल बताना पड़ रहा था कि मोल। चलो दूसरा देखते हैं। अब स्टोइकोमेट्री पढ़ने के पहले अपन को रिएक्शंस आने चाहिए, मतलब कुछ रिएक्शंस का आइडिया होना चाहिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उस टाइप का रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए। तो अपन कुछ रिएक्शंस ऐसे लिख लेते हैं, इसको पढ़ने के पहले अपन कुछ रिएक्शन लिख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, all metal carbonates, अगर अपन metal carbonate को decompose करेंगे ना high temperature पे, तो वो metal oxide बनाते हैं और CO2 बनाते हैं, metal oxide plus CO2 बनाते हैं। जितने भी metal carbonate हैं वो सारे के सारे decompose होके metal oxide plus CO2 बनाते हैं। लिखते हैं कैसे, example, तो एग्जांपल जैसे अपने पास गिवन है ना लिथियम कार्बोनेट, इसको डिकम्पोज करूंगा तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा। लिथियम पे प्लस वन चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे माइनस टू, तो अपन को पता है ऐसे लिखना होता है लिथियम ऑक्साइड। ये लिथियम कार्बोनेट लिखा था मैंने, लिथियम मेटल। फिर जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करूंगा तो राइट दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। कोई भी मेटल कार्बोनेट लिखो आप, वो मेटल ऑक्स मेटल उस मेटल का ऑक्साइड बना देंगे, उसके वैलेंसी के ऑक्सीजन पे माइनस टू वैलेंसी होती है, तो अपन उसके हिसाब से वैलेंसी बना देंगे और उसके बाद अपन क्या करेंगे उसको, उसमें CO2 गैस बना देंगे। गैस होता है ये, सॉलिड होता है ये, सॉलिड्स होते हैं। तो बस इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है अपन को, मेटल कार्बोनेट में सभी डिकम्पोज ऐसे होते हैं, जो भी मेटल होगा उसका ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस लिबरेट होगा। कार्बोनेट्स ऑफ कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम, except lithium, except lithium, do not decompose. बस यही पार्ट अपन को ध्यान रखना होता है। Na2CO3, K2CO3, वो अल्कली मेटल में लिथियम के अलावा जो उसके नीचे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, they do not get decompose. So K2CO3, then we'll write that Rb2CO3 and Cs, cesium carbonate. Ye decompose nahi hota hai. They do not get decompose. Because of their high stability, obviously baat hai, stable hota hai, tabhi decompose nahi. They are stable towards heat. Ab dhyan rakhna ye baat hai, main alkali metal wala part bhi padha raha hu. Agar main ye part aapko bata raha hu, to main aapko S block bhi padha raha hu. All metal bicarbonates, all metal bicarbonates जितने भी metal bicarbonate होंगे ना decompose to give metal carbonate plus CO2 plus H2। आप दोनों को combine करके H2CO3 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। बट डिकम्पोज करेंगे तो ये भी इवेपोरेट होगा, ये भी इवेपोरेट होगा, मतलब वो निकाल सकते हैं।
तो एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज करूंगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। बाइकार्बोनेट किसी का भी डिकम्पोज करके कार्बोनेट बनाएगा प्लस CO2, चाहे वो कोई भी। बोलो सर, आपने वो H2CO3 क्यों लिखा? वो इसलिए कि आप कंबाइन करके कोई कोई इसको H2CO3 लिख देते हैं, तो लिखो CO2 plus H2 is H2CO3. ओके सर, इसलिए ऐसे लिखा। सर फिर फर्दर हीट करने के बाद वो कार्बोनेट वापस डिकम्पोज होते क्या? अब ये तो होगा नहीं, अगर ऐसा होगा तो कर देंगे भाई। ये तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा, ये तो फर्दर डिकम्पोज होता है। तो मैं आंसर ऐसे लिख सकता हूं, एक मोल्स ऑफ CO कैल्शियम ऑक्साइड, दो मोल CO2 का और एक मोल H2O का बनता है, इसको डिकम्पोज करने। सर लास्ट वाला फिर रिपीट कर सकते हो क्या बोला आपने? तो ये कहा लास्ट वाले में कि मान ले मेरे पास कोई कैल्शियम कार्बोनेट है या कोई भी कार्बोनेट है दूसरा, ये तो डिकम्पोज होते नहीं है, तो पहले वाले में तो कितना भी हीट करो ये थोड़ा डिकम्पोज होने वाला है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में क्या होगा कि भाई ये तो डिकम्पोज करके पहले कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा प्लस CO2 प्लस H2O बना देगा, और बाद में कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा अगर आपने हीट कर रहे हो तो ये भी तो डिकम्पोज होता है, तो दोनों रिएक्शन होंगे फिर, और दोनों रिएक्शन होंगे तो अपन कहेंगे ओवरऑल रिएक्शन क्या होना चाहिए, ऐड कर लेते हैं इनको कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो अपन कहेंगे फिर तो आपको सर ये लिखना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाइज ऑफ CO2 प्लस H2O, ये होना चाहिए रिएक्शन। तो मैंने वही कहा कि अगर आप हीट करोगे तो ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा, और हीट कर रहे हो तो ये भी तो डिकम्पोज होता है तो उसको भी कर दो, तो एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, दो मोल CO2 बनेंगे और एक मोल H2O। किसी को डाउट है तो बोलो। है डाउट? नहीं, मैंने वो बोला। तो अब इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे अपन, नोट कर, बाइकार्बोनेट्स ऑफ bicarbonates of alkaline earth metals exist as liquids, ठीक है, अपन को फर्क नहीं पड़ेगा, और लिक्विड जैसे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम बाइकार्बोनेट, बेरियम बाइकार्बोनेट, दे आर लिक्विड्स। ठीक है, बाकी सॉलिड्स, ठीक है, थर्ड पॉइंट, ऑल सर वो सभी लिक्विड होंगे, हाँ मतलब इट विल बी लाइक दैट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, दे आर लिक्विड्स, और मैग्नीशियम और लिथियम की तो दोस्ती होती है हमेशा, तो जो मैग्नीशियम करेगा वो लिथियम करेगा हमेशा, जैसे देखो बाकी अल्कली मेटल डिकम्पोज नहीं हुए, ये तो इसलिए डिकम्पोज हुआ क्योंकि मैग्नीशियम डिकम्पोज होता है, इसलिए मैग्नीशियम और लिथियम की तो बहुत गहरी दोस्ती होती है, जो मैग्नीशियम करेगा वो लिथियम करेगा, जबकि लिथियम अल्कली मेटल। तो लिखना पड़ेगा फिर तो और क्या, लिथियम, क्योंकि मैग्नीशियम जो करेगा वो लिथियम करेगा, या लिथियम कार्बोनेट इसलिए डिकम्पोज हो रहा था क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, बाकी नहीं होते, तो उनकी पक्की वाली दोस्ती होगी हमेशा। तो मेटल नाइट्रेट्स,
ठीक है भाई, ऑल मेटल नाइट्रेट्स डिकम्पोज टू गिव मेटल ऑक्साइड्स. मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, तो जितने भी मेटल ऑक्साइड है ना वो डिकम्पोज करके ये बनाए. तो मेटल नाइट्रेट कोई भी हो, जैसे मान लो अपने पास मैग्नीशियम नाइट्रेट है, अपन को पता है अगर मैग्नीशियम बता रहा है तो लिथियम तो बता ही दिया, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, NO2 बनाएंगे. दो नाइट्रेट है तो दो ऐसे कर लेता हूं, लो भाई बैलेंस. मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जैसे यहां पर अपन ने कहा भाई ये सॉलिड है, ये तो गैस है, और डिकम्पोज करोगे तो ये भी गैस है. ऐसे यहां पर ये तो सॉलिड होगा, ये सॉलिड है और ये गैस है और ये भी गैस है. ये लिक्विड था, ये सॉलिड है, ये गैस है और वो गैस, ये सॉलिड है वो गैस है, वो आपने लिखा था बाइकार्बोनेट ऑफ अल्कलाइन एट द मेटल दे आर लिक्विड्स. दिस इज इंफॉर्मेशन जो अपन को पता होना चाहिए. अगर लिथियम नाइट्रेट होता तो इट विल डिकम्पोज. हम तो सर ये तो जो लिथियम करेगा, जो मैग्नीशियम करेगा वो लिथियम करेगा, ये तो मुझे पता है. सो ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस R2, ये भी ऐसे बनाएगा. मतलब कोई भी नाइट्रेट लिखो, आपकी मर्जी, आप मतलब जो नाइट्रेट लिखना चाहे, लेड नाइट्रेट है ये, दैट इज ऑल्सो सॉलिड. इसको डिकम्पोज करूंगा तो लेड का ऑक्साइड बना दो, Pb पे प्लस टू चार्ज होता है, ऑक्साइड बना दिया प्लस ट्वाइस ऑफ NO2 बना दिया प्लस आपको, लो भाई ये नाइट्रेट करिए. ठीक, तो डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फेट. एक मिनट रुकना है, एक मिनट रुको रुको रुको. उसमें ना नाइट्रेट, अगर सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट है ना, अदर अल्कली नाइट्रेट, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ऐसे, तो वो ना जब डिकम्पोज करते हैं ना, जब वो डिकम्पोज करते हैं ना, तो ये जो नाइट्रेट होते हैं ये नाइट्राइट बनाते हैं. ये ना नाइट्राइट बनाते हैं, मतलब सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्रेट होता तो पोटेशियम नाइट्राइट, ऐसे बना. सर बोलो. सर आपने अदर अल्कलाई नाइट्रेट लिखा ना, अल्कली नाइट्रेट लिखा ना. हाँ सर, तो अल्कली मेटल मतलब यही तो होता है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम. हाँ सर, वो एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा. कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है ना. सर वहाँ पर जो, हाँ बोलो सर, वहाँ पर जो अदर अल्कली नाइट्रेट में सपोज Na है सर, वो मेटल ऑक्साइड बना सकता है ना सर, लेकिन Na2O वगैरह या फिर बाकी जैसे सर, वो डिकम्पोज होता तो बनाता ना मेटल नाइट्रेट, डिकम्पोज होता तो, जब डिकम्पोज होगा ही नहीं तो फिर कैसे बना तो सकता. लेकिन सर, लेकिन यहाँ पर जब वो नाइट्राइट बना रहे तब भी वो डिकम्पोज तो हो ही रहा है ना. यहाँ पर ये नाइट्रेट डिकम्पोज करके ये बनाएगा, अब क्या प्रॉब्लम है ये बताओ. सर तो फिर वो नाइट्राइट की जगह सर मेटल ऑक्साइड्स क्यों नहीं बना रहा है?
मतलब सर बना क्योंकि ये स्टेबल होता है ना, काफी स्टेबल होता है, मतलब ऑक्साइड बनाना है तो खूब सारा हीट करना होता है। ओके सर, लेकिन अगर हीटिंग लिखा होगा तो सिर्फ यही लिखोगे आप, समझ में आया सर? मतलब सिर्फ थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए वो नाइट्राइड बनाएगा या फिर नाइट्राइड बनाएगा? ओके सर, समझा। अनलेस टेम्परेचर मेंशन ना हो, अब तुमने बोला है इसलिए मैं लिखूंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं लिखता। अगर ऐसा मेंशनड है अब मैं बिल्कुल उसको, मुझे लग रहा है अभी भी लग रहा है कि हटा दो तुम उसे, क्योंकि तुम लोग गड़बड़ बाद में बता दें। नहीं तो मतलब क्योंकि अब टेम्परेचर बिल्कुल मेंशन ही कर दिया तो चलेगा, मतलब कर देते हैं ये अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिखा होता है, और कुछ भी मेंशन नहीं है तो अपन हमेशा ये लिखेंगे। अब लिखा है तो चल देख लेते हैं, ये बनेगा Na2O प्लस N2 प्लस O, तो Gb टाइप प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोजन गैस में। इस पे मैं नहीं बता रहा, अगर टॉइस लेके बनाएंगे, इसलिए मैं चुप था क्योंकि मैं चुप ही रहना चाहता था इस पे, लेकिन टेम्परेचर का ध्यान रखना है, वो गड़बड़ नहीं करना। बोलो तो हटा ही देता हूँ, लिख तो लिया ही होगा तुमने, क्या होगा? तो मैं इसलिए ना कहीं कहीं तुमको बोलूंगा, बस इतना ही बताऊंगा, तो अपन उतने पे ही चुप हो जाएंगे, ठीक है? आपकी मर्जी, आप जितना बताना चाहो बताओ, लेकिन आप बताओगे ये तो मुझे पता है कि आपको कहीं ना कहीं तो बताना ही पड़ेगा। तो विगेट मतलब कि भाई इनको फोर्थ पॉइंट, अब देख फोर्थ पॉइंट में जैसे सल्फेट का डिकम्पोजिशन होता है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फेट वैसे कोई क्वेश्चन आता नहीं, अभी पूछेंगे भी नहीं, तो अपन अदर रिएक्शंस में लिख लेते हैं। अदर रिएक्शन, एक तो अपन लिख लेते हैं, ए पॉइंट लिख लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट ऑफ इनर्ट मैटर, एक तो अपन ये लिख देते हैं, मतलब ये ना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, अच्छा ऐसे होता है, मुझे ध्यान रखना भी उस टाइप से। जैसे मान लो अपन को गिवन है सिल्वर कार्बोनेट, तो आपने तो बताया कि भाई सिल्वर ऑक्साइड बना दो, मेटल कार्बोनेट है मेटल ऑक्साइड बनाएगा और बस बना दो, लेकिन भाई जो इनर्ट मेटल्स होते हैं सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, ये ऑक्साइड बनाते कहाँ हैं? अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो पता पड़ा हमने गोल्ड पे ना थोड़ी देर में गायब होगी ऑक्साइड बनकर, तो गोल्ड बनेगी क्यों? दे आर इनर्ट मेटल, वो ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। अगर उनका कार्बोनेट है डिकम्पोज होके सीधा मेटल बनेगा, ठीक है? अगर अपन डिकम्पोज करेंगे तो मेटल बनेंगे बस। सर इसके लिए ज्यादा एनर्जी जाती है क्या? नहीं, काफी कम एनर्जी देनी पड़ेगी अपन को, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिकम्पोज हो जाएंगे, राइट? अभी शुरुआत है ना, अभी तो मैं बहुत चीजों को कंबाइन करके कोरिलेट करूंगा आपस में, तो केमिस्ट्री अपना छोटा सा हो जाएगा। ये इनऑर्गेनिक की तो पढ़ रहे, तो अपन कहेंगे देख भाई कार्बोनेट हो या नाइट्रेट हो या बाइकार्बोनेट हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो इनर्ट मेटल का है तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा। बैलेंस कर देंगे फिर, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं बन, है ना, बना देंगे अपन, हमें क्या बी पॉइंट लिखना है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अपन को पता होगा, पहले न्यूट्रलाइजेशन से पहले अपन ना डबल डिकम्पोजिशन की बात, पहले और डिकम्पोजिशन देख लेते हैं भाई, अगर कुछ और डिकम्पोजिशन है तो, जैसे ना डिकम्पोजिशन में अपन कहेंगे जैसे KClO3 है, अब ये तो मतलब काफी स्टेबल होगा ना ऐसे KCl, तो जब इसको डिकम्पोज करते हैं तो KCl बनता है और O2 बनता है,
कैसे बनेगा, मतलब पोटेशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है तो जो उसका ऑक्सीजन है वही निकल सकता है डिकम्पोजिशन। या कोई मॉलिक्यूल है, जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल होता अपने पास, कोई ऐसे मॉलिक्यूल जो इजीली डिकम्पोज हो जाए, जैसे अपन कहते मान लो अपने पास ऐसा होता H2SO4। अब ये तो मॉलिक्यूल है, इसमें कहीं आयनिक बॉन्ड है ही नहीं, कोई मेटल नॉन मेटल तो है नहीं, सारे तो नॉन मेटल है, तो वो इजीली टूट जाएंगे। इस टेंशन अब कंबशन रिएक्शन अपन को पता है, जिस किसी को बर्न करोगे तो कंबशन रिएक्शन, सर कीड़ा कीड़ा नहीं था मॉस्किटो था। मैं भी सोचूं यार मेरी स्क्रीन, मेरे इतना बड़ा कीड़ा मेरे बोर्ड पे कैसे आ गया, बोर्ड की तरफ देख रहा क्लोजअप क्यों मिल गया। मैं सोच रहा हूं यार बोर्ड पे मतलब है ना, मैं सोचा इतना बड़ा कीड़ा यार मेरे बोर्ड पे कैसे आ गया, मैं मतलब डर गया उसको देख के कि यार इतना बड़ा कीड़ा, पर बाद में देखा कि नहीं यार बोर्ड पे नहीं वो कैमरे पे है, मॉस्किटो आके कैमरे पे बैठ गया। ठीक है हाँ चलो, अब अपन ना डिकम्पोजिशन तो और भी डिकम्पोजिशन अपन लिख सकते हैं, जैसे सल्फेट है, अब जैसे अपन लिखेंगे ना मेटल सल्फेट है, तो मेटल सल्फेट में अपन ने लिखा नहीं, जैसे उनके लिए लिखा ना कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, अपन मान लो मेटल सल्फेट है तो अपन कहेंगे देखो ये डिकम्पोज करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा प्लस SO3 बनाएगा, मेटल सल्फेट ऐसे डिकम्पोज हो जाएगा, दैट इज हाउ द मेटल सल्फेट डिकम्पोजेस, राइट। अब अपन कहेंगे जैसे मान लो कभी कभी अपन को ऐसे क्वेश्चन कहता है, अब डबल डिकम्पोजिशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने जिंक को रिएक्ट किया HCl के साथ, हाँ तो ठीक है ना, अपन को पता है मेटल हैज टेंडेंसी टू रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, तो ये ऐसे बना देगा, इस टाइप के क्वेश्चन अपन कर लेंगे। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विद एसिड, अब जैसे एल्यूमिनियम होते हैं तो एल्यूमिनियम और जिंक भी रिएक्ट करता है, मतलब अगर अपन जिंक को एसिड से रिएक्ट करो तो भी रिएक्ट करता है, बेस से रिएक्ट करो तो भी रिएक्ट करता है, Na2Zn एम्फोटेरिक होते हैं, वो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब जो भी एम्फोटेरिक होते हैं वो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं बेस से भी रिएक्ट करते हैं, जो एम्फोटेरिक होते हैं वो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं वो बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड अपन सबको बताया गया होता है। ठीक है तो ये थोड़ा सा अपन ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखा, तो अब अपन को मतलब बहुत ज्यादा ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन वी आर एबल टू राइट, थोड़ा सा रिएक्शंस का आइडिया अपन को आ गया कि किस टाइप से अपन को रिएक्शंस बताने हैं। सो बाकी अपन देखेंगे क्वेश्चंस में, जो भी अपन को क्वेश्चंस में आएगा अपन देखेंगे उसमें, तो मैं इसको उठा रहा हूँ और रिएक्शन शुरू करने वाला, ठीक है अपन रिएक्शन शुरू करते हैं मूल कॉन्सेप्ट में। अब ना पहले तो अपन को एक होता है कि भाई आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स को कैसे कोरिलेट करोगे वो सीखते हैं। सो पहले अपन लिखते हैं कोरिलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स व्हेन the moles of one of the reactant or product is given, when number of moles of one of the reactant or product is given, or product is given, तो कैसे correlate करेंगे वो देखते हैं। जैसे अपन ऐसे लिखते हैं ना, इसका वन मोल, इसका वन मोल बनाएगा, या इसका टू मोल, इसका वन मोल बनाएगा, तो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर किसी के मोल्स गिवन होंगे, कैसे गिवन होंगे किसी के मोल्स, अपन को गिवन होगा ना क्वेश्चन में, या तो उसका वेट गिवन होगा, या मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, या वॉल्यूम गिवन होगा, या फिर पी इक्वल टू एनर्जी से कुछ गिवन होगा, तो अपन उसके मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब मान लो मेरे पास एक ऐसे क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि 3 moles
of N2 reacts with excess of H2 to produce ammonia. Calculate the mass of ammonia, NH3. अब अपन को एक बात पता है, केमिस्ट्री में कभी कोई भी कैलकुलेशन विदाउट मोल्स नहीं होता, इसलिए अपन ने मोल कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ा। अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे लिखेंगे आंसर के लिए। अमोनिया का प्रिपरेशन अगर अपन को लिखना है तो अपन आपने लिखा है N2 प्लस H2 दोनों को रिएक्ट करवा के मैं अमोनिया बनाऊंगा, मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो इन दोनों में से, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट है, दोनों में से किसी एक को बैलेंस कर लो। चलो नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे तो मुझे ट्वाइस चाहिए, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया क्योंकि ये एलिमेंट है ना, इनको तो मैं कोई भी नंबर लिख के बैलेंस कर लूंगा, इसको तो लिख देता हूँ, लो बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब अपन कहेंगे इसके मोल्स से, ये तो एक्सेस में है, अपन को गिवन ये एक्सेस है, तो इसका अपन को कितना मोल्स है, गिवन मोल्स 1-3 मोल्स। तो अपन को लिखना होगा कि इसका 1 मोल इसका 2 मोल देता है, तो इसके 3 मोल्स इसका कितना मोल्स देगा। तो वो लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका 1 मोल उसका कितना मोल, हमें कुछ नहीं आता, बन जाएंगे आप तो सीधा लिखो, इसको भूल जाओ पहले, और इसके मोल्स का कोरिलेशन लिख लो। कैसे, जो भी मोल्स ऑफ NH3 है, N2 है, डिवाइड बाय उसका मोलर कोएफिशिएंट। मोल्स ऑफ H2 है, डिवाइड बाय 3 कर लो, उसके मोलर कोएफिशिएंट्स डिवाइड, इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3 है, डिवाइड बाय उसका मोलर कोएफिशिएंट। अपन क्या करेंगे, अब इससे अपन लिखेंगे मोल्स को कोरिलेट करेंगे। अब क्वेश्चन को देखेंगे, रिएक्शन पहले लिखना होगा। मान लो मेरे पास कोई ऐसे गिवन होता, 5A+3B gives you 2C, कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें ऐसे अपन को मोल्स गिवन है, तो मैं इसके मोल्स ऐसे लिखता, जो भी मुझे मोल्स गिवन, मान लो इसके x मोल्स मुझे गिवन है, तो पहले मैं इसको लिखने से पहले ये लिख लेता, मोल्स ऑफ 5, मोल्स ऑफ a डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ b डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ c डिवाइड बाय 2, ऐसे लिख लेता। ये तो लिखना आता है ना, क्वेश्चन देख के लिख, रिएक्शन देख के लिख लेंगे उसमें क्या। अब आपने मुझे मोल्स दिए हैं किसके, N2 के, और पूछे किसके मोल्स हैं, अमोनिया के, हो गए। इधर लिखूंगा 3/1 इज इक्वल टू अमोनिया पूछा है और डिवाइड बाय 2 कर दो मोल्स ऑफ NH3, कितना आया, 6 मोल्स। लो भाई आ गया, ये लिखने में किसी को डाउट है क्या? नो सर। तो मेरे पास ये एग्जांपल, कैलकुलेट मोल्स ऑफ बी एंड सी इफ मोल्स ऑफ ए इक्वल टू 0.3। चलो शुरू हो जाओ, बी और सी के मोल्स बताओ। कोई कुछ पूछ रहा था यार? सर क्या, सर हमने जो अभी लिखा ना कि मतलब मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोलर कोएफिशिएंट, सर क्या हम हमने उसे इससे रिलेट किया कि मतलब एक मोल N2 जब हम रिएक्ट करवाते तब हमें 2 मोल मिलते हैं NH3 के? बिल्कुल तो बिल्कुल, उसी से तो किया मोल N2। ओके सर, क्योंकि सर बच्चों को ये लिखने में प्रॉब्लम जाता है, वो एक मोल दो मोल देगा, दो मोल क्या करता है, उसको लगता है यार कहां पर परेशान करके रखा हुआ है। सर वो क्वेश्चन हो, वो जो आपने रिएक्शन दिया है वो वाले से लेना है ना? हाँ, अपन ने ये वाले क्वेश्चन में बी और सी बताने हैं, अगर आपने एक्स के मोल्स मुझे 0.3 के बने तो। सर आपने वो बॉक्स के नीचे जो लिखा है वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा ठीक है, देख
मुझे क्वेश्चन में गिवन था थ्री मोल्स ऑफ N2 रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ H2 टू गिव अमोनिया, बताओ अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे। तो अपन ने कहा ठीक है भाई N2 प्लस 3H2, पहले तो रिएक्शन बैलेंस लिख लो। रिएक्शन बैलेंस लिखने के बाद इसके आपस में मोल्स कोरिलेट कैसे करूं, तो फिर मैंने बताया कैसे, जितने मोल्स ऑफ N2 होंगे डिवाइड बाय उसका मोलर कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय उसका मोलर कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय उसका मोलर कोफिशिएंट। ये तो लिखना आता है ना बिल्कुल? हाँ सर, मतलब लिखना आता नहीं, लिख लोगे ना रिएक्शन देख के? यस सर। तो ठीक है ना, अब मुझे इसको और इसको कोरिलेट करने के लिए कहा था तुमने, तो सब इक्वल है ना? यस सर। कर देते, इसके मोल्स मुझे 3 गिवन थे डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू, सब इक्वल है आपस में, तो मोल्स ऑफ अमोनिया आपने पूछे थे डिवाइड बाय 2, कर देता हूँ, लो भाई आंसर आ गया। अब क्या ना वो नहीं करना पड़ा ना, इसके मोल्स ऐसे मोल, इसके एक्स मोल तो कितने मोल्स, अरे छोड़ो ना, सीधा ऐसा लिखा अपना काम हो गया। सर वो 0.3 गिवन है ना? हाँ वो 0.3 गिवन है के मोल्स। सर बी का 0.18 और सी का 0.12। हाँ सर। देखो भाई अब किसी से अगर नहीं आएगा तो वो बताएगा कि हमको नहीं आ रहा, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ P, Q and X if if 5 gram of Y is formed in the reaction. A reaction. Given molecular weight of Y is equal to 20. Bolo. बोलो। तो पी का 0.375, क्यू का 0.5, एक्स का 0.125। चलो ठीक है, पी बाय 3, क्यू बाय 4, एक्स बाय 1 और वाई बाय 2,
और वाई अपन को गिवन है वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, कितना है 5/20 है, 1/4 मतलब 0.25। ये अपन को 0.25 गिवन है, तो x हो गया 0.25 डिवाइड बाय टू, q हो गया, p हो गया 0.25 डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय 3, और q हो गया 0.25 डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय कितना 4, तो भाई हो गया। किसी को डाउट है तो बोलो सर। हाँ बोलो सर, वो y का कोएफिशिएंट 2 है उससे फर्क नहीं पड़ता इसका? हाँ सर, उधर वो 2 है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क पड़ रहा है ना भाई, ये ले तो रहा हूँ सब जगह 2। ओके सर समझा, ये 2 इसलिए तो लिया उसके मोलर कोएफिशिएंट के लिए, समझा ना? हाँ सर समझा सर। देख ये इजीएस्ट वे होगा, इससे ज्यादा इजीएस्ट वे पर नहीं बना सकते। अब इसमें तो तुमको भी शक हो रहा है कि यार ये इतना इजी होता है मूल कॉन्सेप्ट, बच्चों को शक होने लगता है कि सर ये सब सही है ना जो आप बता रहे हो? बस सही है, चिंता मत करो कि इतना इजी, क्योंकि वो ना कोरिलेशन रिएक्शन कोरिलेशन में हमेशा परेशान रहता है, जबकि देखो कितना इजी होता है इसको कोरिलेट कर। अरे रिएक्शन बैलेंस है, ऐसा लिख लो, खत्म हो गई बात। सर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे सर? जैसे कर रहे सर, इतने इजी तो आ ही नहीं सकते कुछ तो मतलब सर घुमा फिरा के आएंगे ना सर क्वेश्चन वैसे कराएंगे। चिंता मत कर, आएंगे ना, बताऊंगा चिंता मत कर। अभी तो मैंने कहा था ना कि क्लास के बाद तुम लोग मतलब 9:30 बजे कॉल करना, सुबह क्लास होगी एनटी वालों की मॉर्निंग में, ठीक है ना? टाइम पर डिसाइड करेंगे अभी। चलो तुमको लग रहा है इतना इजी होगा, लेकिन वीकली टेस्ट करेंगे ना, तुमको कॉल करना है। हम टाइम बता दूंगा ना कितना टाइम, किसको कॉल करना है आपको? और क्या, अपन केमिस्ट्री क्लास पे लगाएंगे ना मॉर्निंग में, अपन ने कहा था ना शुरू करेंगे अपन, सिर्फ इंटीग्रेटेड वालों को करना है ना। हाँ वो तो इस इंटीग्रेटेड वाले ही तो ऐसे हैं जो फुर्सत में पूरा पूरे मजे कर रहे हैं, सुबह उठते हैं 10 बजे है ना। तो सर स्कूल वाले तो बेचारे परेशान हैं सर, कल तो छुट्टी है, कल छुट्टी है ना, तो उनको क्यों एक दिन तो मिला है स्कूल वालों को छुट्टी है, स्कूल वालों नहीं सिर्फ एनटी वालों की क्लास होगी कल है ना, कल क्योंकि स्कूल वाले जो हैं उनको कल छुट्टी, उनकी सुबह छुट्टी दी जाएगी ना, वो बेचारे सोएंगे थोड़ा सुबह सुबह स्कूल में, परेशान है वो बेचारे। हाँ सर है ना, ऊपर से असेंबली भी रखते हैं। यस सर, रुको रुको, नहीं करी उनकी अटेंडेंस नहीं मिलती, रुको रुको बताता हूँ मैं, रुको रुको, कभी कभी मतलब जो एंटी वाले बच्चे हैं ना इनको सुबह 6 बजे क्लास लगाऊंगा, देखना तुम, ठीक है? ये बड़े मजे कर रहे हैं, 10 बजे सो के उठते हैं, उसके बाद खाना वाना खा के शाम को थोड़ा क्लास क्लास पढ़ के उसके बाद मजे, ठीक है? चलो देखते हैं। अच्छा अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब एक बात अपन को पता है अच्छे से नंबर ऑफ मोल्स में, कि अगर अपन को वेट इन ग्राम गिवन है तो अपन उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मोल्स के थ्रू, मतलब अपने एक वाई मैप जैसे बनाया था ना कि वेट इन ग्राम गिवन है, मोल्स में कन्वर्ट करो, फिर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, लाइक दैट अपन ये कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड एट एसटीपी इफ, मान लेते हैं 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड, तो अपन क्या करेंगे? ठीक है सर कोई बात नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करता हूं आंसर के लिए, तो अपन कहेंगे भाई देखो सबसे पहले तो मुझे पता है कि कार्बोनेट डिकम्पोज कैसे होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा सॉलिड प्लस CO2 बनेगा,
ये गैस, और ये बैलेंस है, इसमें मोलर कोफिशिएंट की जरूरत नहीं है अपन को, अब तो बड़ी अच्छी बात है। इसका वेट आपने दे रखा है तो मोल्स मुझे पता है, तो मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय 1। तो इसके मोल्स कितने हैं, तो अपन कहेंगे देखो सर इसका मास होता है 40, इसका होता है कार्बोनेट होता है 60, मतलब टोटल मॉलिक्यूलर मास 100 है, तो इसके मोल्स हो गए 5/100, 5 ग्राम दिए ना गिवन मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 5 बाय मॉलिक्यूलर वेट 1/20 लिख लेता हूं। तो मोल्स ऑफ CO2 मेरे पास आ गया, अब बताओ इसको वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करें। 20 का मास ले लेंगे तो अपन कहेंगे सर आपने बताया तो था नंबर ऑफ मोल्स होता है वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइड बाय 22.4। अगर मेरे पास किसी के मोल्स हैं तो क्या करूं, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 1/20 इनटू 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, लो भाई आ गया 1.12। एवरीबडी गॉट, ठीक है, तो अपने पास आंसर आ गया 1120 ml या 1.12 liters, सबको पता, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड मास वॉल्यूम रिलेशन, अपन ने लिखा था ना अभी मास मास रिलेशन, मतलब किसी एक का मास जो है ना दूसरे का मास कैलकुलेट किया, दैट इज कॉल्ड मास मास रिलेशन। किसी का मास गिवन है अपन ने वॉल्यूम कैलकुलेट किया उससे किसी दूसरे का, तो मास वॉल्यूम रिलेशन, मतलब इसमें मास से आपने वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाया, दैट इज कॉल्ड मास वॉल्यूम रिलेशन। अगर किसी के वॉल्यूम से वॉल्यूम कैलकुलेट करवाओगे तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको दूंगा मैं कैलकुलेट करूं, लिखो कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, लीटर ऑफ ओ टू एट STP ऑन डिकम्पोजिशन। लो भाई मैंने तो क्वेश्चन लिख ही दिया, अब देख मैंने आपको पोटेशियम क्लोराइड क्लोरेट का डिकम्पोजिशन बताया है, ये डिकम्पोज होके KCl बनाता है और O2 बनाता है। रिएक्शन के बैलेंसिंग का ध्यान रखना, अगर इवन अगर रिएक्शन गिवन भी है क्वेश्चन में तो बैलेंसिंग चेक करना कि कहीं कोई एटम मिसिंग तो नहीं है, इसमें बैलेंस नहीं है। मैंने आपसे कहा था एलिमेंट अपन कभी भी बैलेंस कर सकते हैं, तो 2 KCl और 3 और PH2O है ना बेटा, डाटा किसका गिवन है, ऑक्सीजन का,
सर वो 5.6 क्या है, लीटर है क्या? ऑब्वियस सी बात है उसमें लीटर है, वो एल लिखा हुआ है वहां पर। सर पोटेशियम का मास 40 ले ले। पोटेशियम का मास अपन ले सकते हैं 40, मतलब 39 होता है। सर वो क्या लिखा है ऊपर, उसका मास दिया है KCl3 का मॉलिक्यूलर मास लिख दिया मैंने। तो मोल्स आएगा, मोल्स को मल्टीप्लाई करो, मास के लिए फॉर 20.825 कितना आया, 20.825 सब क्या 24.1 सर 19.6 सर 19.6 ग्राम 20.48 20.41 मुझे ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आंसर बताओगे तो हो गया मेरा काम। 20.41 तो फिर मैं सबका आंसर ले लूं, किसका सही है किसका गलत है? यस सर, सॉल्व करूं? यस सर। चलो तुम लोग कह रहे हो तो सॉल्व कर देता हूं। ये मोल्स आ गए तो मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 सर। तो मोल्स ऑफ KClO3 आ गया मेरे पास, मोल्स ऑफ KClO3 आ जाएगा मोल्स ऑफ O2 इज 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 सो 0.5 डिवाइड बाय 3 आ गया मास ऑफ KClO3। तो मास ऑफ KClO3 विल बी इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 122.5 देख भाई अगर ये 120 होता ना तो 40 होता, तो 4 5 20 आता मेरे पास। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसको ऐसे करूंगा 4 12 तो 0 आ जाएगा और पॉइंट और 8 आ गया तो 1 बचा तो 3 और डिवाइड बाय 0.5 दूंगा तो 20.4 आ रहा है सर। बोल। हाँ सर। सर 0.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.17 आएगा, उसको 122.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ट्वेंटी
ठीक है तो अब ये बताओ बाकी कैलकुलेशन ठीक है, ये पार्ट समझ में आया कि नहीं? यस आया सर। हाँ सर, कोई डाउट है तो अभी बोलो कि समझ में नहीं आया। अबे नो सर बोल रहा, मतलब समझ में नहीं आया या समझ में आया? अच्छा वापस समझाओ। ठीक है, मुझे लगा नो सर बोल रहा है। ठीक है ना, देखना जब कोई क्वेश्चन होता है ना अपने पास, तो आपने लिखा कि कैलकुलेट द मास ऑफ दिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओ2। इसका मास चाहिए कि ताकि अपन इसमें 5.6 लीटर ओ2 बना दे, है ना? ठीक है, तो इससे ओ2 बनाना, तो अपन क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन में, इस रिएक्शन में अपन को ओ2 का डाटा गिवन। तो अब ओ2 का डाटा गिवन है, तो सर आपने ये तो बता ही था मैं कि ऐसे लिखते हैं अपन, ये वाला पार्ट तो किसी को डाउट नहीं है, इसमें तो अपन सबको पता है ऐसे लिखना होता है मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड करके। तो अपन ने कहा देखो अब ये लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में मुझे डाटा ओ2 का गिवन है, तो उसके मोल्स लिख लेते हैं, तो मोल्स ऑफ ओ2 आ गया 0.25। तो अपन ने कहा ठीक है भाई, यहां पर मोल्स ऑफ ओ2 डाल देते हैं 0.25 इसकी जगह, और मोल्स ऑफ KCl3 आ गया। अब एक बार किसी के मोल्स आ गए और आपने वेट पूछा उसका, तो क्या करो उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर। अब किसी को डाउट है तो बोल। और अगर बोलोगे तो मैं टेबल से वो सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं कि कैसे मैंने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि बस टेबल तुमको बताना पड़ेगा, बाकी मैं कैलकुलेट कर दूंगा। चलो अच्छा ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं एक और कंसेप्ट लेके आता हूँ, है ना, एक नया कंसेप्ट अपन इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर थोड़ा सा अपन लेवल इंक्रीज करेंगे क्वेश्चन का। लिमिटिंग रिएजेंट, उसको अपन शॉर्ट में ऐसे लिखा करेंगे, बार बार ऐसे लिमिटिंग रिएजेंट नहीं लिखेंगे, LR ऐसे लिख दिया करेंगे। ठीक है, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा आपके लिए, राइट? तो लिमिटिंग रिएजेंट में अपन लिखेंगे दैट इज, अब पहले तो अपन कहेंगे सर ये बताओ ये लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, तो अपन देख लेंगे। ठीक है, स्कूल में जितना अपन ने लिखा इतना ही आएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म और आएगा बस। हाँ स्कूल में हो गया तो स्कूल में तो और भी मतलब कम, स्कूल में तो वो पीरियोडिसिटी वहां तक वहां पहुंच गए बस। तुम देखो अपन भी कैसे पहुंचते हैं रॉकेट बना के, तुम लोग चिंता मत करो, मैं देखो कैसे रॉकेट बनाता हूँ तुमको। बहुत जल्दी खत्म कर दिया। अरे यार स्कूल में दो लोग सिर्फ डेफिनेशंस बताते हैं, आप अच्छे से प्रूफ वगैरह भी सब समझाते हो। नहीं प्रॉब्लम ये है ना कि स्कूल में वो मतलब पता क्या है, जैसे अपना दो ही चैप्टर हुआ ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ में उनका फिजिकल खत्म होता है स्कूल। अब बच्चे कहते हैं सर स्कूल के लिए बता दो, तो मैं कहता यार कैसे बताऊ मैं, थोड़ा चैप्टर में आप कैसे बताओगे कि थोड़ा थोड़ा बता दो आप सब। तुम लोग पूछ लो कि ये वाला पार्ट डिस्कस करता हूँ, चलो अच्छा पढ़ के आता है, क्योंकि स्कूल में एग्जाम होने के पहले अपना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए अपन लिखेंगे ऑलवेज चेक लिमिटिंग रिएजेंट व्हेनेवर डाटा फॉर व्हेनेवर हाँ डाटा फॉर मोर देन वन रिएक्टेंट इज गिवन, व्हेनेवर डाटा फॉर More than one reactant is given. Data for more than one reactant is given. Reactant is given. अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डाटा गिवन है, अपन सबको पता है रिएक्टेंट क्या होता है। अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डाटा गिवन है तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना कंपलसरी है।
the reactant which is present, the reactant which is present in less quantity is called limiting reagent. हाँ वही limit हो उस वही limit में होगा और क्या is called limiting reagent. जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसके ऊपर लिमिटिंग रेजेंट होगा. द लिमिटिंग रेजेंट इज ऑलवेज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. और जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है वो बचता है हमेशा, राइट? वो हमेशा कंप्लीटली कंज्यूम होगा रिएक्शन. अब इसका इंपॉर्टेंस अपने लिए ये है कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डाटा गिवन है तो. व्हाई? इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट which decides how much other reactant will react. How much other reactant will react and the products will be formed. तो अपन कहेंगे ठीक है सर, कोई बात नहीं, देख लेंगे हम. ये बताओ लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं? हो गया, बस इससे अपना काम हो जाएगा. एग्जांपल पूछ सकते हैं, मान लो एक रिएक्शन है मेरे पास. इन अ गिवन रिएक्शन मेरे पास एक रिएक्शन है, ट्वाइस ऑफ ए रिएक्ट्स विद थ्राइस ऑफ बी to give you 5C. अब वैसे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं जो अपन मोल्स में ही कैलकुलेशंस करते हैं, ये अपन को पता है. अब मैंने वर्ड में नहीं लिखा पूरा क्वेश्चन, लेकिन मैं ऐसे लिख देता हूं आपको समझ में आ रहा है कि गिवन मोल्स मतलब ये अपन को गिवन थे. अपन को पता अच्छा गिवन मोल्स का मतलब सर आपने कैलकुलेट किए होंगे आइदर वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट से या उस टाइप से जैसे अपन कैलकुलेशन करते हैं. और कोई गैस है तो पीवी इज़ इक्वल टू एनआरटी से भी कर सकते हैं. इसके मोल्स मुझे गिवन है 0.3 और इसके मोल्स मुझे गिवन है 0.2. मुझसे पूछा गया बताओ ये कितना फॉर्म होगा, तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, बड़ा इजी है, अभी कैलकुलेट करके बता देता हूं. तो अपन कहेंगे देखो भाई अब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डाटा है तो लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना कंपलसरी हो गया. अब इन दोनों में से लिमिट में कौन प्रेजेंट है वो कैसे कैलकुलेट करूं? तो अपन कहेंगे देखो अपन को ये लिखना तो आता ही, ये तो अपन को लिखना आता ही. अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे मान लेते हैं अब मैंने मान लिया कि भाई देखो मान लेते हैं कि ए कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो बताओ बी के कितने मोल यूज होंगे. तो अपन कहेंगे अगर ए का कंप्लीटली कंज्यूम होगा मोल्स तो 0.3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास मोल्स ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय कितना कर दूं 3. देयरफॉर मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.3 मतलब हो गया 3 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा 0.9 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0.45. मतलब इसका ये हो गया
कि अगर मुझे ए के सारे मोल्स रिएक्ट करवाना है इस रिएक्शन में तो मुझे बी के कितने मोल्स चाहिए? 0.45. और हैं कितने? 0.2. लिमिटिंग रेजिएंट, मतलब बी इज अ लिमिटिंग रेजिएंट, मतलब बी के मोल्स पे डिपेंड करेगा कि कितना ए यूज होगा। हाँ, मतलब अपन ऐसे भी कर सकते हैं, देख अपन ऐसे भी कर सकते हैं, सब मेरी मर्जी, आपने लेट ए क्यों किया कंप्लीटली कंज्यूम, मैं तो बी करूंगा, अब आप बताओ क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन कहेंगे लेट बी कंज्यूम कंप्लीट, आप किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंज्यूम कंप्लीट। तो अपन कहेंगे मोल्स ऑफ ए कितना रिक्वायर्ड होगा, विल बी इक्वल टू बी कितना है 0.2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कितना 2, कितना आया 0.4/3 का मतलब हो गया 4/3 होता है 1.25, मतलब हो गया 0.125, पर है कितना बी, ये तो बहुत ज्यादा है, एक बार चेक कर लेना, मैंने सही लिखा ना भाई, 4/3 होता तो 1.25 होता ना, नहीं 1.33 होता, ये लो। तो अगर B को कंप्लीटली कंज्यूम करना है, 0.2 को अगर कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो A के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, 0.13, और है A है कितना 0.3, ये तो एक्सेस में है अपने पास, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, अगर ये पूरा कंज्यूम भी हो जाएगा तो भी ये बचेगा। तो अपन कहेंगे किसी एक से कैलकुलेट कर लेंगे, ज्यादा क्यों दिमाग लगाना, सीरीज की बात है, इन दोनों में से चलो आपने कहा ए को कंज्यूम कर देता है, ठीक है ए को इधर डाल देते हैं, बी देखते हैं कितना आता है, अगर बी का वैल्यू 0.2 से ज्यादा आया मतलब ये लिमिटिंग रेजिएंट, बी का वैल्यू 0.2 से कम आया मतलब ये एक्सेस में, और अगर 0.2 आया तो दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। टेल टेल मतलब बताओ, कोई डाउट है तो? नो सर, किसी को डाउट? तो हमें लिमिटिंग रेजिएंट कैलकुलेट करना आ गया, मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड इज दिस, सिंस मोल्स ऑफ बी प्रेजेंट इज लेस देन 0.45, लेस देन 0.45, सो इट इज लिमिटिंग, ये लिमिटिंग रेजेंट आ गया। अब ये डिसाइड करेगा कि ये कितना रिएक्ट करेगा और ये डिसाइड करेगा कि ये कितना बनेगा, आपने देखा ना, इट इज लिमिटिंग रेजेंट विच विल डिसाइड, क्यों, क्योंकि ये तो कम है ना, मान लो मेरे को, अब पता है लिमिटिंग रेजेंट अपन क्या करना है, H2+O2 को बनाते हैं अपन H2O, इसका 2 ग्राम है, इसका 16 ग्राम है तो 18 ग्राम बनेगा। अब मान लो मैंने आपसे कहा चलो इसका 16 ग्राम है, इसका 1 ग्राम है, तो क्या वो 18 ग्राम बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, अपन तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 16 ग्राम 2 ग्राम से रिएक्ट करता है, 2 ग्राम 16 से रिएक्ट करता है, तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, 8 ग्राम से रिएक्ट करेगा, तो इसका 1 ग्राम उसका 8 ग्राम 9 ग्राम बनेगा, वो बस कंजर्व होता है ना, इसका 8 ग्राम बच रहा है ना, फिर ये एक्सेस में हो गया ना, क्योंकि इसका 16 ग्राम तो इसके 2 ग्राम से रिएक्ट कर सकता है, आपने तो 1 ही ग्राम लिया, वो तो बच जाएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट H2O हो गया, दैट इज व्हाट आई मीन, कि मतलब आपको समझ में आ गया, वो कोई कांसेप्ट नहीं है, आप तो बस ये बता रहे हो मुझे कि जितना रिक्वायर्ड है उससे अगर कम प्रेजेंट है तो उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, आपने मुझे मोल्स के फॉर्म में बताया और इस इक्वेशन से मुझे कोई डाउट नहीं होगा मोल्स से कैलकुलेट करने। यस, so I will write that moles of C formed कैसे कैलकुलेट करें, तो moles of B divide by 2/3 is equal to moles of C divide by 5, लिखो ये कितना गिवन है अपन को, 0.2 divide by 3 is equal to moles of C, ये लो भाई आंसर। हो गया, और
अब अपन ये तो आपको दिख ही रहा है मोल्स ऑफ ए कितना रिएक्ट किया और था कितना 0.3, डिफरेंस ले लो ए बच गया। इसको कंप्लीटली कंज्यूम करेंगे तो ए कितना कंज्यूम होगा इतना, और है कितना आपके पास 0.3, तो बाकी डिफरेंस क्या है बचा हुआ। मोल्स ऑफ बी कंज्यूम इज 10 ना, तो उसको इतना चाहिए था अपन को, तो अपन क्या करेंगे मोल्स ऑफ ए यूज्ड तो अपन लिखेंगे मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा अपने पास मोल्स ऑफ ए यूज्ड विल बी इक्वल टू बी के मोल्स कितने कंप्लीटली कंज्यूम होंगे डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई। ये लो भाई सर, जब अपन मोल्स ऑफ सी निकालते हैं तब हम लोग रिक्वायर्ड वाला मोल्स नहीं लेंगे ना, बी का जो दिया है वो वाला मोल्स लेंगे ना? हाँ, वही वाला लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी अमाउंट से तो कैलकुलेशन करने हैं अपन को, उसी में तो कैलकुलेट किया कि वो कम प्रेजेंट है इसके कंपैरिजन में, ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा। ठीक है सर। नहीं रुकेंगे, इसके एग्जांपल नेक्स्ट टाइम करेंगे, कंप्लीटली रिएक्ट होगा उसके टर्म्स में बाकी सब निकाल लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो कंप्लीटली कंज्यूम होगा उसी के रिस्पेक्ट में बाकी सब निकालना है, लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में।